पद जो कि कुमाऊँ रेजिमेंट का मान्यता मानी जाती देवी मानी जाती है, और एक चाउमीन खा रही है हमारी देवी। तो ये लड़की चाउमीन खा रही है। इसके बाद हम जाते हैं हाट कालिका टेम्पल, जो कि कुमाऊँ रेजिमेंट की रक्षक देवी मानी जाती है। तो अब जाएंगे हम टेम्पल में। चलो चलते हैं, अब थोड़ी देर में टेम्पल में आपको मिलते हैं। तो गाइस, ये है हाट कालिका देवी का टेम्पल। तो ये टेम्पल हमारा पिथौरागढ़ से 80 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और यह है गंगोली हाट में। और इन देवी की मान्यता यह है कि ये कुमाऊँ रेजिमेंट की रक्षक मानी जाती है। तो कुमाऊँ रेजिमेंट वाले भी इनको बहुत मानते हैं और यहीं पे पूजा करते हैं। तो गाइस, अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे मंदिर के अंदर, और देखिए पूरी घंटियों से सजा रखा है ये दरबार पूरा। 18वीं कुमाऊँ और से माता के चरणों में। तो ये है हमारे पीछे कुमाऊँ रेजिमेंट का मान्यता वाला मंदिर, काली का मंदिर। तो गाइस, भारतीय सेना के कुमाऊँ रेजिमेंट की हाट कालिका से जुड़ाव की एक दिलचस्प कहानी है। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1934 से 1945 के बीच में हुआ था, एक बार भारतीय सेना का जहाज पानी में डूबने लगा था। तब सैन्य अधिकारियों ने जवानों से कहा, अब अपने ईश्वर को याद करें। जैसे ही कुमाऊँ के सैनिकों ने माँ हाट कालिका का जयकारा लगाया, वैसे ही जहाज किनारे में आ गया। तभी से कुमाऊँ रेजिमेंट माँ काली को अपनी आराध्य देवी मानते हैं। तो गाइस, हजार वर्ष पूर्व जब आदि गुरु शंकराचार्य बद्रीनाथ केदारनाथ होते हुए यहाँ आए, तो उन्हें आभास हुआ यहाँ कोई शक्ति है। यहाँ माले उन्हें कन्या के रूप में अपने दर्शन दिए और कहा, उन्हें ज्वाला रूप से शांत रूप में ले आओ। तभी से यहाँ माँ हाट कालिका शक्ति पीठ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में हुई है। तो यह है काली का मंदिर। कुमाऊँ रेजिमेंट की बहुत मान्यता है इस मंदिर के। जीते थे तो यहीं पर माथा टेका था। 8 बटालियन है शायद कुमाऊँ, देख सकते हैं आप। ये पूरा मंदिर है कालिका माता का मंदिर। तो जूते खोलते हैं फिर चलते हैं अंदर की तरफ। रा आ तो ये पूरा मंदिर है। देखो बड़ा ही बढ़िया मेंटेन कर रहा है मंदिर, बहुत ही बढ़िया मेंटेन है। बहुत सारे कक्ष हैं यहाँ पर बैठने के लिए, विश्राम के लिए। पट्यार कुमाऊँ तो गंगोली हाट में पड़ता है मंदिर भी। आइएगा घूमने अगर मौका मिलता है तो आपको आने का।
परिक्रमा कर लेते हैं अंदर आके। पूरा मंदिर है, घंटे घंटे हैं बढ़िया, घंटे की आवाज़ से कितना अच्छा लगता है सुनने में। तो घंटी घंटी है यहाँ पर और बहुत सुकून मिलता है यहाँ की घंटियाँ जो बजती हैं ना, बहुत ही सही लगता है, ये फीलिंग आपको यहाँ आके आएगी। रा चुको देखे राम मंदिर मन हाँ हाँ तो मैंने वही तो कहा राइफल्स। चलिए मंदिर के दर्शन करा दिए, अब हम चलते हैं पिथौरागढ़ की तरफ। अच्छा पिथौरागढ़ की तरफ साउंड सुनाई देगी यहाँ पर आपको, और इसमें बहुत ही घंटियाँ हैं देख सकते हैं आप, पूरे मंदिर में घंटी घंटी है यहाँ पर, ये देखिए। Thank you.
पिथौरागढ़ की तरफ। क्लोज।